दुनिया के अलग अलग देशों में शादियों से जुड़ी अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं। कई जगहों पर ऐसी रस्में देखने को मिलती हैं कि दिल खुश हो जाता है, तो वहीं कई जगहों पर अजीबोगरीब परंपराएं निभाते भी लोग नजर आ जाते हैं। शादी से जुड़ी ऐसी एक परंपरा चीन में भी देखने को मिलती है, जिसे घोस्ट वेडिंग यानी कि भूतिया विवाह भी कहा जाता है। ये तो आप जानते होंगे कि शादी जिंदा इंसानों की होती है, लेकिन चीन में कई जगहों पर मुर्दों की भी शादी करवाई जाती है। जी हाँ, ये काफी हैरान करने वाली बात तो है, पर बिल्कुल सच है। जिस तरह से जिंदा इंसानों की शादी की रस्में होती हैं, वही रस्में मुर्दों की शादी की भी की जाती हैं। चीन में इस अजीब व गरीब परंपरा यानी कि घोस्ट मैरिज का इतिहास काफी पुराना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ करीब 3000 साल से ये परंपरा चली आ रही है, जिसके तहत दो अविवाहित मर चुके लोगों की शादी करवाई जाती है। मरे हुए लोगों की ये शादियाँ कुछ इस तरह से कराई जाती हैं कि दूल्हे की कब्र में दुल्हन की हड्डियों को डाल दिया जाता है ताकि वो साथ साथ रहें। इस शादी की खास बात ये होती है कि जिस तरह से जिंदा लोगों की शादियाँ आयोजित की जाती हैं, उसी तरह से मुर्दों की शादियाँ भी धूमधाम से कराई जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऐसे भी मामले सामने हैं जब घोस्ट मैरिज के लिए लड़कियां नहीं मिलती हैं। ऐसे में कब्रिस्तान से लाशें ही चुरा ली जाती हैं और उन लाशों को 5-5 लाख रुपए में बेचा जाता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।